हेलो भाई, मैं उम्मीदवार। अभी हम लोग निकले हुए हैं किया सेल्टोस को लेके एक रोड ट्रिप पे। तो अभी पहले हमारे साथ ये वाला सीन हुआ रात को, भाई एकदम से गाड़ी चढ़ गई थी। और यहाँ पे फिर एक और सीन हमको देखने को मिला, ये एक सीमेंटेड रोड है, बहुत देर से सीमेंटेड रोड ही चलता आ रहा है। और अभी हम देख रहे हैं भाई एक गाड़ी जो आती है अपने अरेना के अंदर, इसका नया वाला जनरेशन भी आने वाला है। इसका हाल आप देखिए भाई, अभी मैं आपको पूरी स्टोरी बताता हूँ। यहाँ के लोकल्स ने हमको बताया है कि भाई ये कहाँ पे कैसे इसका एक्सीडेंट हुआ है, और अभी मात्र एक दो घंटे पहले ही हुआ है। फिर दो दो गाड़ी, एक नहीं दो दो, एक है मारुति की आईटीगा और ये वैगनर। भी मैं स्टोरी बताता हूँ कैसे कैसे हुआ है। आपको पता होगा मारुति आईटीगा का एक नया जनरेशन भी आने वाला है, अभी उसमें देखते हैं बिल्ड क्वालिटी का क्या करते हैं। लेकिन अभी इसमें आप देखते हो मेटल की शीट बड़ी हल्की सी महसूस होती है, लेकिन आईटीगा वाईटीगा तो इनकी फिर भी ठीक है। जैसे एसक्रॉस और अपना जो ये गाड़ी आती है ना ब्रेजा ब्रेजा, इनको 4-स्टार रेटिंग मिल रखी है। ये क्रेटा व्रेटा से भी सेफ आते हैं भाई आजकल मारुति की, ब्रेजा या फिर एसक्रॉस। आपको पता होगा क्रेटा को 3-स्टार मिल रखी है, और ये जो अपनी किया सेल्टोस, तो आपका एसक्रॉस साथ भी हुआ था ना भाई एक बार सीन? हाँ भाई मेरा हुआ था। तो इससे भी बुरी हालत थी आपकी गाड़ी की? भाई इससे तो बहुत ज्यादा बुरी हालत थी मेरी गाड़ी की। आपकी ने तो कई सारे पलटे खाए थे ना, पूरी एकदम फ्लैट हो गई थी। अच्छा, लेकिन फिर भी आप बच गए है ना, लेकिन इलाज आज तक भी चल रहा है ना। तो अभी मैं बताता हूँ भाई कैसे कैसे पूरा इंसिडेंट हुआ है, उसके बारे में बात करेंगे। भाई यहाँ पे देखो ये सीमेंटेड रोड है, ये पूरा देखो, ये भाई लोकल से इन लोगों ने हमको बताया कि कैसे कैसे इंसिडेंट हुआ। तो ये सीमेंटेड रोड है, यहाँ पे टायर बहुत जल्दी गर्म होता है, और अभी चल रहा है किसका अप्रैल का महीना, और यहाँ पे तो बहुत गर्मी पड़ती है ना भाई, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है ना इधर। ये तो स्टेट ऐसा है अभी यहाँ पे भाई, देखो ये टायर इसका क्या फट है, ये गाड़ी इधर साइड से आ रही थी और रोड एक ये फट गया टायर, और ये फिर डिसबैलेंस होके एकदम से डिवाइडर कूद के इस रोड पे आ गई, और वहाँ से जो व्हीकल आ रही थी जो वैगनार, इसने इसको हिट किया और ये पलट के फिर यहाँ पे आ गई। अभी मात्र एक घंटे पहले की दुर्घटना है भाई। तो ड्राइव सेफ किया करो भाई, इसके दोनों टायर फटे हुए, ये वाला टायर भी और वो वाला फट गया। अच्छा नहीं नहीं ये फटा नहीं है, इसकी तो वैसे निकल गई हवा। अच्छा तो पीछे से पूरी बॉडी की हालत खराब है सारा भाई, एपलर वगैरह कैसे फ्लैट हो जाता है बिल्कुल, देखना। मतलब बंदा बच ही गया गाड़ी में? हाँ इसमें तो बच गया, मतलब आदमी सब सेफ है, इसमें ऐसे कोई दुर्घटना हुई नहीं है। वो तो चले गए दवा खाना, यहाँ पे दवा खाना बोलते हैं। अभी जैसे लोकल से आके बताया कि हमने दवा खाना में शिफ्ट कर दिया। देखो एयर बैग वगैरह तो भाई इसमें है ही नहीं, तो खुलेंगे कहाँ से, देखना। हाँ वैगनार में भाई, इतनी बड़ी गाड़ी है इसमें एयरबैग नहीं है बताओ, और इतनी बुरी तरीके से डैमेज है, जब भी इसके एयरबैग नहीं खुले मारुति आईटीगा के, क्योंकि है ही नहीं इसमें एयरबैग। देखो इसमें एयरबैग ही नहीं है भाई, वैसे तो ये VXI वेरिएंट है बताओ, जब भी हद कर दी। यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं कहीं पे एयरबैग की बैजिंग ना कोई खुले, और जबकि आप देखोगे डैमेज पूरा का पूरा खुल चुका है इसका मैटर, देखना भाई। और अभी अगर आप वैगनार देखोगे तो वैगनार की और हालत दिखाता हूँ, उसका ए पिलर वगैरह तो भाई उसके तो कह नहीं क्या, ये देखना टेल लाइट वगैरह टूट गई इसकी, और ये देखिए आप वैगनार। भाई वैगनार की बॉडी ज्यादा अच्छी है। हाँ वैगनार तो और ज्यादा खतरनाक हालत में भाई, बट ये देख सही कह रहे हो, ये देखो भाई इसकी हालत तो और ज्यादा खतरनाक है, लेकिन इसकी एयरबैग खुल गए देख, बंदे बच भी गए दोनों वैगनार, ये दोनों मारुति गाड़ियां, इसमें एक ही एयरबैग आता है बस केवल। ये देखो उधर साइड में एयरबैग नहीं है, वो नहीं खुला, बट इसमें बंदे सेफ है सारे के सारे, इसमें तो कहीं कुछ भी नहीं दिख रहा है, सारे बच गए। लेकिन इसका इतनी बुरी हालत देखना, इतनी गंदी हालत, ये देखो भाई खिड़की वगैरह भी खुल रही है, पूरा ए प्लर से लेके और सारा कुछ डैमेज हो गया इसका। ठीक कुछ लगा गया ना किसी को? कुछ किसी को कुछ भी नहीं लगा। तो ये भाई इसने मार दिया उसमें, अब इसमें गलती किसकी बताओ, इसमें तो किसी की भी गलती नहीं है। अब उसका टायर फटा, डिसबैलेंस हो जाती है गाड़ी, स्पीड में रहती है, इधर साइड आ गई, इसने एकदम हिट कर दिया, ये भी पलट गई। यार बिल्ड क्वालिटी मारुति को बहुत सुधार करनी चाहिए, सेफ्टी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैटर प्ले करते हैं भाई। ये देखना पूरा ए पिलर बी पिलर कुछ पता ही नहीं चल रहा, इस तरीके से बैंड हो गई, बहुत गंदी हालत में गाड़ी। इसमें तो जब भी एयरबैग आता है उसमें तो एयरबैग ही नहीं है, और एयरबैग का रोल अपने को अब पता चल रहा है। यहाँ पे इसका कूड़ा कबाड़ पड़ा है भाई, जो भी इसका टूटा हुआ था, ये देखिए कैसी हालत में है, बम्पर वगैरह पूरा चला गया, पूरा चला गया है भाई इसका। सब बच गए, सब सेफ है बिल्कुल भाई, बिल्कुल सब सेफ बच गए भाई। ये होते हैं ना रोड लेंटर के, बहुत बेकार रोड होते हैं भाई। हाँ यार टायर 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 फट गया, टायर की वजह से हो गया। हाँ भाई टायर फट गया, टायर इधर आ गई है भाई,
बड़ी गंदी हालत में है भाई। देखो इसमें बस केवल PSI बता दे कि कितनी कितनी हवा है। तो भाई अब मान लो हमारी गाड़ी का टायर फट जाए, भगवान ना करे, हम भी ऐसे जाके फट जाएंगे क्यों? बिल्कुल भाई, स्पीड में अगर रहते फिर तो क्या ही कहने भाई। इतने लंबे लंबे रोड एक्सप्रेस वे बना रखे तो भाई इनको लेंटर के मत बनाओ, गाड़ी बहुत जल्दी गर्म हो जाती है टायर्स वगैरह, तो भाई दिक्कत हो जाए। अभी आपने लाइव एक्सीडेंट देखा होगा भाई, टायर्स की वजह से हादसा हुआ है। बंदे सारे सेफ है भाई, हम भी लॉन्ग ट्रिप आए हुए, हमारे साथ भी कोई हो जाए ऐसा भाई सीन, अच्छा कुछ कह नहीं सकते भाई। बिल्कुल बिल्कुल, आप सीट बेल्ट लगा लो भाई। जब ये ऐसी चीजें देख लेते हैं ना फिर तो खट्टी से चली जाती है, और कभी हमारे साथ ना हो जाए, क्योंकि टायर वाला फैक्टर तो ऐसा है ना, इसमें क्या ही किया जा सकता है। और गर्मियों में तो बहुत जल्दी टायर गर्म होके फटने की समस्या रहती है, जैसे उस वाली गाड़ी में हुई है। और फ्रंट का अगर फट जाए भाई फिर तो भाई बिल्कुल गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, फिर तो राम भरोसे है गाड़ी एकदम। ये वाला सीन भाई, नाइट्रोजन गैस, वो नाइट्रोजन हवा ली हुई है भाई। और तेरी नाइट्रोजन है? नहीं, नाइट्रोजन नहीं भाई, नहीं, नहीं, भाई नाइट्रोजन ही डलवानी चाहिए गर्मियों में, मेरे सिंपल है ब्रो। तो अब ना कहीं पे नाइट्रोजन डलवा लेंगे भाई, भाई वो फिर भी बहुत चलना है उसके लिए ब्रो। मेन बात चारों टायर की हवा निकलेगी। अच्छा हाँ, तो कोई नहीं। अब भाई एक्सीडेंट देखने बाद हमको भी जी करा भाई नाइट्रोजन गैस डलवा लेते, क्योंकि 400 किलोमीटर हमने चला लिया है, हम तब से ही नॉन स्टॉप ड्राइव कर रहे हैं। टाइम खैर तो एप्पल वॉच तो बताती नहीं, इसकी मैं बुराइयां करता रहता हूँ, उसकी चार्जिंग रुकती नहीं भाई। खैर इसकी बात बताता हूँ भाई, नाइट्रोजन गैस ऐसे एक्सप्रेस वेज पे हाईवेज पे कहीं मिलती ही नहीं है, इतने पेट्रोल पंप हमने ढूंढ लिए कहीं भी अवेलेबल नहीं रहती है नाइट्रोजन गैस के। ना मैं फायदे बताता हूँ आपको क्या रहता है, ऐसे सीन ऐसे रोड्स पर ही देखने को मिलते हैं कि भाई हाँ नाइट्रोजन गैस क्यों काम की होती है। देखो सबसे पहले भाई आपका जो टायर का प्रेशर रहता है ना एक समान रहता है, तो ठंडे रहते हैं टायर्स, ब्लास्ट होने के चांस 90% कम हो जाते हैं। प्लस आपने फॉर्मूला 1 रेसिंग में सुना होगा 100 गाड़ियों में यही डाली जाती है नाइट्रोजन गैस, जिससे ब्लास्ट ना हो टायर, हो कितनी स्पीड में चलती हैं। अब भाई ऐसे रोड पर चलते रहोगे हमारे तरह 400 किलोमीटर चलते रहोगे तो भाई ये भी टायर आके एकदम से आपके गर्म होके कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर मैं भी आपको देखोगे हमने चला दी भाई ये 373 किलोमीटर, हम 5 घंटे से ड्राइव कर रहे हैं। अब आप सोचो 5 घंटे टायर घूमता रहेगा 110 120 130 की स्पीड पे, इसका क्या हाल होगा? ऐसा भी नहीं नॉर्मल हवा एकदम ही बेकार रहते चलाने को भाई, लोग 1000-1500 हम लेके नहीं आए इसको, तो आ जाती है भाई किस्मत का भी कोई देखो खेल रहता है कि भाई फट जाए तो भाई फट जाए, पर 10-15 किलोमीटर में ना फटने को चल जाए, 1000-1500-2000 कितने भी चला लो नॉन स्टॉप, तो किस्मत का भी थोड़ा खेल रहता है भाई। और टायर आपकी किस कंडीशन में कितना घिस गया है वो सब में बहुत सारे फैक्टर्स डिपेंड करते हैं। नाइट्रोजन कोई महंगी भी नहीं आती भाई, मतलब 25-30 रुपये पर टायर के हिसाब से आपको मिल जाती है ये देखो। और ऐसे स्पीड में चलते हैं भाई तो एकदम से एक्सीडेंट होने के चांस बन जाते हैं, इसलिए नाइट्रोजन डलवाओ और अपना आराम से टेंशन फ्री होकर रोड पे चलो। कभी कभी तो जैसे हम पेट्रोल पंप पे फ्यूल डलवाते हैं तो फ्री में भी भर देते हैं, लेकिन हमारे दिल्ली NCR में आराम से मिल जाते हैं। यहाँ ऐसे एरिया में जहाँ पे ये भाई एकदम पूरा रेगिस्तान से ही रहता है, यहाँ पे MP में लैंड ही लैंड है, यहाँ पे ज्यादा कुछ ऐसे डेवलपमेंट से दिखते ही नहीं है, ऑन हाईवे में बात कर रहा हूँ, सिटीज में हम नहीं गए। हालांकि कहने वाले ये भी कहते हैं भाई कि जब नाइट्रोजन गैस जलवा लेते हैं टायर्स में तो उनकी लाइफ वाइफ भी बढ़ जाती है, मेंटेनेंस वगैरह भी, और राइड सेफ्टी हैंडलिंग सब कुछ बढ़ जाती है। अभी वो कितना प्रैक्टिकल है भाई वो हम चेक नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि नहीं मिल रही है, अब क्या करें, वहीं पर चल के कभी भरवाएंगे और अपने जो टायर्स की लाइफ है उसको भी बढ़ाएंगे। तो भाई कृपया करो सेफ ड्राइव किया करो, जिससे ऐसी सीन भी ना हो, अपने आज एक्टिवा में देखा ऐसा सीन भी ना बने, और वैगनार भी बेचारी उसकी कोई गलती नहीं थी, वो तो बेचारी बेफालतू में पिसी उसके साथ। कृपया करो ड्राइव सेफ, बी सेफ, थैंक यू सो मच।